Assalamu alaikum everyone, it's me Hira Javeen. In today's lecture I will teach you how to post content on social media. For now I will tell you about Facebook posting. While posting on social media you need to remember few things, you have to write several drafts. First point is mein ki aapko several drafts write karne chahiye jisme aap log ko जैसे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं होते हैं प्रोडक्ट के लिए. आपका आपके डिपेंड करता है आपके पास सर्विस है जो आप ऑफ़र कर रहे हैं या आप प्रोडक्ट को ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है. इसके हिसाब से आपने कुछ ड्राफ्ट जो है वो राइट करने होते हैं. उन ड्राफ्ट को हम ज़्यादा ड्राफ्ट इसलिए लिखते हैं कि हम लास्ट पे जो शॉर्ट ड्राफ्ट जो हमने पोस्ट करना है वो इतना ओरिएंटेड होना चाहिए, कीवर्ड ओरिएंटेड होना चाहिए जिससे हमें रैंक करने में मदद मिले, लोगों को हमें सर्च करना आसान हो जाए. ये सारी चीज़ों को माइंड में रखते वक्त हम लोग एक ड्राफ्ट जो है ड्रा राइट करते हैं. जिस तरह इसका ये हिसाब है कि इसमें आप लोग जब भी कोई भी ड्राफ्ट लिखते हैं तो आपकी अगर प्रोडक्ट है, ठीक है. अब हम ले लेते हैं ज्वेलरी का प्रोडक्ट. अब हमारे पास ज्वेलरी का प्रोडक्ट है तो ज्वेलरी के अंदर बहुत ज़्यादा रेंज होती है, जैसे रिंग्स हैं, नेकलेस है, बहुत कुछ है. तो इसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वो अगर हमारे स्टोर का जो नाम है वो आए इसके अंदर, या हम जो यानी कि ज्वेलरी का अगर हमारा प्रोडक्ट उससे रिलेटेड गोल्ड है, सिल्वर है, यानी कि जिस भी पॉसिबल वर्ड्स के साथ हम अपनी ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं हमने करना है, ठीक है. इसके अलावा इसके अंदर है की पॉइंट्स. ड्राफ्ट आपने बहुत ज़्यादा लिखनी है और उसके अंदर आपने की पॉइंट्स को माइंड में रखना है. की पॉइंट्स कौन से होते हैं, डिपेंड ऑन सर्विसेज. अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारे की पॉइंट्स हैं SEO, SMM, जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सर, ठीक है. इसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हैं, हमारे पास ज्वेलरी और गारमेंट्स, इसके अलावा वॉचेस वगैरह हैं, तो हम लोग ये वाले कीवर्ड्स यूज़ करके अपनी एक अच्छी से डिस्क्रिप्शन बनाएंगे. और जब भी हम लोग ने डिस्क्रिप्शन बनानी है उसके अंदर हमने जब भी सबसे पहले हम लोग कैप्शन देते हैं. फर्स्ट स्टेप में हमने कैप्शन दी ड्राफ्ट में, उसके बाद हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. उस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोगों ने अपना की पॉइंट लोड करना होता है जो भी हम चाहते हैं कि ऑडियंस सबसे पहले पढ़े, क्योंकि कोई भी पूरा नीचे तक जाके नहीं पढ़ता है. इसलिए हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है और उस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर वो की पॉइंट्स यूज़ करने हैं जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज रिलेटेड है और जो हम बताना चाह रहे हैं. हम जिस क्वालिटी या क्वालिटी पे एबिलिटी पे फोकस बढ़ाना चाहते हैं ऑडियंस का, हम लोगों ने उसको स्टार्ट में ही लोड कर देना है, ताकि अगर कोई पूरा नहीं भी पढ़ रहा है तो हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाए इसके अंदर, ठीक है. ये दो पॉइंट्स क्लियर है सबको. इसके बाद कॉल टू एक्शन आता है. कॉल टू एक्शन होता है, इसके अंदर आपने अपनी ऑडियंस को बताना है कि उन्होंने अगर आप एक पोस्ट कर रहे हैं, एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आप लोग सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपने उनको कॉल टू एक्शन जो देना है वो मस्ट होता है. यानी आप जैसे आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा लिखा होता है ऑर्डर नाउ, बुक नाउ, या फिर आप कहते हैं कॉन्टैक्ट अस. अगर सर्विस आप कहेंगे कॉन्टैक्ट अस, आप अपना नंबर दे देते हैं या फेसबुक लिंक देते हैं, इंस्टाग्राम लिंक देते हैं, जो भी ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं और ये सारी कॉल टू एक्शन होती हैं, हमने उन्हें कह दिया कि आप ये करें, वो पढ़ेंगे, उन्हें समझ आएगी, वो ये काम करेंगे. और यही हम लोग असल में चाह रहे होते हैं. फोर्थ थिंग इज़ दैट हैशटैग. हैशटैग बहुत ज़रूरी है. जब भी आप कोई भी आप इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, आपको हैशटैग्स की बहुत ज़रूरत होती है. और इसमें हैशटैग्स के अंदर मिनिमम 4 हैशटैग्स और मैक्सिमम 10-15 बहुत अच्छी पोस्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास 4 जो हैशटैग होने चाहिए. और हैशटैग के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि वो आपकी रेलिवेंसी शो करें. ये नहीं कि अगर आप ज्वेलरी या फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका प्रोडक्ट ज्वेलरी का और आप बाइक के हैशटैग लगा रहे हैं तो वो चीज़ मैच नहीं करेगी, ठीक है. जो उसे सर्च करेगा वो कहीं और पहुँचेगा, वो कभी भी आपकी पोस्ट पर नहीं आ सकता. तो जब भी आपने हैशटैग देने मोस्ट रेलिवेंट हैशटैग होने चाहिए, ठीक है. इसके बाद क्योंकि टेक्स्ट जो होता है ना वो एक्सप्रेसिव नहीं होता. टेक्स्ट पढ़ के एक बंदा कहेगा आप लोगों ने पीके अगर देखी हो तो, एक कहता अच्छा 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 अच्छा, अच्छा देर आर सो मैनी अच्छा, ठीक है. तो ये हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि लहजा क्या है क्या नहीं. लेकिन टेक्स्ट कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं होता, हर इंसान से अपने हिसाब से पढ़ता है. लेकिन क्योंकि हमने मैसेज कन्वे करना है तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने अपने टेक्स्ट को एक्सप्रेसिव किस तरह बनाना है. इसके लिए हमने इमोजीज़ यूज़ करने हैं. देर आर लॉट्स ऑफ इमोजीज. आप अपने कंटेंट, अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कुछ जो मैचेबल लगता है आपने वो इमोजी यूज़ करना है और अपने टेक्स्ट को
क्लियर करना है, ठीक है, ताकि कोई भी उसको मिस अंडरस्टूड ना कर सके। उसके बाद है क्रॉस प्रमोशंस, को बता सकते हो क्रॉस प्रमोशंस क्या होते हैं? क्रॉस प्रमोशंस का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के चैनल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, एवरीथिंग, आप जब भी एक एज अ कंपनी चलते हो तो आपको हर तरफ एक बात करनी चाहिए, आपकी जो ब्रांड लैंग्वेज है वो एक चलनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आपने एक तरफ पोस्टिंग कर दी है, फॉर एग्जांपल हम इवेंट्स को जब माइंड में रख के पोस्टिंग करते हैं एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, तो उसमें आपने एक जगह पर पोस्ट की है ईद की, दूसरी जगह पर आपने कोई फिल्म आ रही है उसकी पोस्ट कर दी, तो आप अपनी ऑडियंस के एक पॉइंट पर नहीं लेके आ रहे। जब एज अ कंपनी आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो आपका लास्ट और लीस्ट जो आपका मकसद होता है वो यही होता है कि आपने अपनी ऑडियंस को एक जगह अपनी कंपनी पर लेकर आना है। आप सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपने सबको ग्रैब करके एक जगह लेकर आना होता है। तो इसलिए जब भी आपने पोस्टिंग करनी है तो मेक श्योर कि आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन, ट्विटर सब पे एक बात हो रही हो, ठीक है। ये क्रॉस प्रमोशंस होती हैं कि सभी चैनल्स पर आप एक बात करें, एक टोन यूज़ करें, आपने कभी अपनी ब्रांड रिप्यूट ख़राब नहीं करनी है, ये सारी चीज़ों को ख्याल करते हुए आप पोस्टिंग करते हैं। इसके अलावा होता है कि नो ग्रामर मिस्टेक, ठीक है, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो प्रॉपर आपने उर्दू में लिखना है, वो उर्दू बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसकी ग्रामर मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपकी उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैं क्योंकि इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है एक, और दूसरा कोई वो मिस्टेक्स में ऐसी अच्छी कंसिडर नहीं की जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप जो भी लिख रहे हैं उसे क्लियर कर लें, इसीलिए हम सेवरल ड्राफ्ट बनाते हैं ताकि ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्लियर हो जाएं, हमारे कीवर्ड्स सेट हो जाएं, हमारे इमोजीज सेट हों, हम लोग सब जगह पर एक ही चीज़ कन्वे कर सकें। इसके अलावा हमारे जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं ये ना हो, फिर जाके फाइनल एक हमारे पास डिस्क्रिप्शन आती है जो कि हमने इसके अंदर ऐड करनी होती है पोस्ट में। अब हम एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं पोस्टिंग का। जैसे सबसे पहले हम कैप्शन देंगे, और इसके अंदर ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना होता है कि आपके फर्स्ट कैपिटल लेटर और ये सारी जो भी मैंने ग्रामर्स के हिसाब से ये सारी बात आ जाती है, इसको आपने माइंड में रख के फिर अपना काम करना है, और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं। ये हमारी कैप्शन हो गई है। अब इसके अंदर कोई बता सकते हैं कि क्या मैंने कोई कीवर्ड यूज़ किया है? इसके अंदर हम लोग सबसे पहले कैप्शन दी है, और इसके अंदर हम लोगों ने एक कीवर्ड यूज़ किया अपना ज्वेलरी का, ठीक है। ये ब्यूटी इज़ हु यू आर, ज्वेलरी इज समथिंग आई सी ऑन द केक, इसमें ज्वेलरी हमारा कीवर्ड आ गया है, ये हमारी कैप्शन हो गई है, ठीक है। सेकंड थिंग, हम लोगों ने एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन दी है, एक लाइन की है, जिसके अंदर हमने अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया है। दीज यूनिक रिंग्स आर मेड अप ऑफ सिल्वर विद एंटीक पर्ल्स एंड हैविंग अ फाइन, वेरी फाइन फिनिशिंग। इसमें हमने ये बता दिया है कि ये रिंग्स हैं, और इसके अंदर ये भी बता दिया कि सिल्वर से बनी है, इसके अंदर एंटीक पर्ल्स जो है, मोती वगैरह जो भी है ना, आपने अपने प्रोडक्ट की तारीफ करनी है जिस तरह भी है। सर्विस है तो आप बता सकते हो उन्हें कि हम ये सर्विस देते हैं, इसलिए हम प्राइजिंग ये कर सकते हैं, हम आपको डबल लीड्स ला के दे सकते हैं। डिपेंड अपॉन योर सर्विस और प्रोडक्ट कि आपने किस तरह से अपने डिस्क्रिप्शन को लिखना है। यहाँ तक तो पॉइंट गेट कर गए हैं ना सब। और उसके बाद हमने ये भी बता दिया कि इसकी फिनिशिंग बहुत फाइन है, यानी ये प्रोडक्ट देखने में भी अच्छा है, इस्तेमाल करने में भी अच्छा है, और इसके अगर आप ख़रीदने, फिर ये सारी यानी कि हमने डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी आएगा पढ़ेगा उसे समझ आ जाएगी कि रिंग्स किससे बनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कम्प्लीट, फिर हम लोगों ने ये ऑर्डर नाउ किया है जी, कॉल टू एक्शन हो गया हमारा कि हमने बता दिया कि अगर आपको ये पसंद है आप लेनी है आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे मैंने रैंडम नंबर लिख दिया, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपके अपने कॉन्टैक्ट दे दिया, इसके अलावा आप फेसबुक अगर इंस्टाग्राम पर लिंक कर लेते हैं आपस में, आपको लीड्स आपकी जहाँ आप चाहेंगे वहाँ तक पहुँच जाएंगी, ठीक है। ये इस पर पूरी वर्किंग करनी है। उसके बाद आ जाता है हैशटैग्स, यहाँ पर मिनिमम हैशटैग फोर होने चाहिए, वो मैंने लिख दिया है। जैसे ज्वेलरी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, फैशन हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है,
रिंग है सिल्वर की बनी है तो हमने सिल्वर को यूज़ किया, हम इसमें एंटीक यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, और जितनी भी वेरिएशन जो अपने हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो हम लोग यहाँ हैशटैग्स लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ चार यूज़ किए हैं। ये पोस्टिंग करने के कुछ के पॉइंट्स होते हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, इनको आपने माइंड में रखते हुए अपनी पोस्ट का कंटेंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है बात? ठीक है, इसके बाद अब हम पोस्ट करेंगे तो ये पोस्ट हो जाएगी, और इसके अंदर आपने अब एक काम होता है पोस्टिंग करना, फिर उसका एक फॉलो बैक होता है, फॉलो अप रखना होता है आप लोगों ने। इसके अंदर ये ना आपको पाँच चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आपने रेगुलर जो है ना कॉन्टेंट को पोस्ट करना है, ये नहीं कि एक दिन किया हफ्ते तक नहीं किया फिर आप ऑडियंस ग्रैब नहीं कर सकते, अपनी ऑडियंस तक नहीं रीच ले सकते। ऑडियंस तक रीच अपनी बढ़ाने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि आप अपनी पोस्ट तैयार कर ली, ठीक है, इमेज आपकी अच्छी है, आपकी अगर वीडियो है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है सारा कुछ, जो वीडियो होती है ना मोस्टली एक मिनट तक की हो ना लोग देखते हैं, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं देखता, आपको उसको भी ध्यान से पोस्ट करना पड़ता है। ये होगी पोस्टिंग के बाद, अब हमने रीच किस तरह बढ़ानी है, ऑडियंस कैसे हम अपने पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं, अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे रेगुलर कंटेंट से मुराद ये है कि आपने किस किस पीक टाइम होते हैं पोस्टिंग के, सुबह में आप कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, या आप बिल्कुल शाम रात के वक्त कर सकते हैं, जिस यानी मोस्टली डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। अगर आपकी ऑफिस गोइंग ऑडियंस है वो सुबह के 9-10 बजे अपना सुबह उठते हैं तैयार होंगे वो जाएंगे जाके जब ऑफिस में इजी होकर पहुँच जाते हैं बैठ जाते हैं देन यू दे स्क्रॉल इन फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम और वट एवर, तो इस सारे के अंदर क्या है कि आपकी ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए क्या है और आपको उसके हिसाब से पता चल जाएगा आपने किस आपके कौन से पीक टाइम है जब आप कर सकते हैं। नॉर्मली सुबह दोपहर होती है जिस वक्त लोग लंच वगैरह कर रहे होते हैं तो वो अपना मोबाइल चेक करते हैं, या एक शाम होती है जब बिल्कुल फारिग हो जाते हैं तब आप चेक करते हैं, टेक्सिंग करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो ये वो टाइमिंग है जिसमें आप पोस्टिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद आ जाता है कि आपने ऑडियंस एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसमें आप कह सकते हैं जैसे गिवअवेज का होता है कंसेप्ट, अगर आप लोगों को बताओ गिवअवेज देते हैं ना कुछ ब्लॉगर्स जो होते हैं या जो भी पेज रन कर रहे हैं, तो वो गिवअवेज बेसिकली ना एक स्ट्रेटजी है, वो इसको क्रिएट करते हैं, लोगों को कहते हैं आप पार्टिसिपेट करें, गिवअवे देंगे, आपको ये गिफ्ट मिलेगा, वो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं अपनी रीच बढ़ा रहे होते हैं अपने पेज पे, ठीक है, और इसका बेसिक मकसद ये नहीं होता है कि किसी को कोई गिफ्ट दिया जाए, उसका बेसिक मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपके पेज पे आए, आपकी रीच बढ़े, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो आपको ज़्यादा लीड्स जनरेट होने का चांसेस होते हैं। तो इसके अंदर गिवअवेज दे सकते हैं, कुछ आप लोगों ने नोट किया होगा जैसे DP कंपटीशन या कुछ फोर फोटोज़ को क्लैश करके कह देते हैं कि आपको इसमें से क्या पसंद है, चाय पसंद है, या लोग धड़ाधड़ मैसेज कर रहे हैं तो 1000 कमेंट्स होते हैं कम से कम भी उसके ऊपर, लोग बता रहे होते हैं मुझे ये पसंद है मुझे पसंद है, सिर्फ ये ऑडियंस एंगेजमेंट है आपके, डिपेंड करता है आप क्या सेल कर रहे हैं, क्या सर्विसेज है, क्या प्रोडक्ट है, आप उसे किस तरह, आप जैसे ज्वेलरी की बात कीजिए तो आप दो फोटोज़ लगाएं एक ही डिज़ाइन हो, ठीक है, उसमें कलर्स डिफरेंट हो, आप राय ले सकते हैं अपनी ऑडियंस की कि इसमें से कौन सा वाला अच्छा है, आपको बेतहाशा कमेंट्स आएंगे, ठीक है, मोस्ट लोग उसे लाइक भी कर लेंगे, बेतहाशा कमेंट्स आएंगे और वो इससे क्या होगा आपकी ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़ जाएगी, उन्हें पता होगा कि आप फिर ईस्टा करें उनको पता लगेगा कि इसकी ना शाम को 8 बजे पोस्टिंग स्टार्ट होती है, लोग फिर माइंड में रखने लग जाते हैं, फिर वो आपको फॉलो करने लग जाते हैं, इस यही तरीका होता है अपनी ऑडियंस को बढ़ाने का, इनको एंगेज करके रखने का। फिर पेड इनिशिएटिव्स होते हैं, पेड इनिशिएटिव भी ये वो तरीका है कि जिस तरह आप प्रमोशंस करते हैं कि आप कितने लोगों तक दीजिए, इसमें है कि डिफरेंट पैकेजेस होते हैं जिनको आप यूज़ करके तो अपनी पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं, वो फेसबुक खुद करती है। इसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ करंट इवेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जुम्मा है, ईद है, शबरात है, या कोई इंडिपेंडेंस डे है, या ये कहते हैं कश्मीर डे है, आपको इन सारे इवेंट्स का पता होना चाहिए। आप इन अपने अपना जो आप सर्विस या प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड तो आप पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़े सेंटिमेंट पोस्ट करते हैं तो उससे भी लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि ये इन चीज़ों को भी वैल्यू करते हैं, ठीक है, जुम्मे की पोस्ट हर कोई लाइक करता है, ऐसे ही है, जो भी इवेंट्स होते हैं उसके स्टेटस भी लगते हैं, पोस्टिंग भी होती है, सब कुछ होता है, और अगर आप अपने पेज की पोस्टिंग करते हैं तो इससे भी आप लोगों को एक एंगेजमेंट का जो साइन है वो दे सकते हैं। इसके अलावा लाइव सेशंस होते हैं,
ठीक है, ये लाइव सेशन में आप लोग आपसे लाइव भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आप पॉसिबल होता है कि आप अपने पेज पर हर चीज़ एक्सप्लेन करते हो, डिफरेंट टॉपिक्स को आप उठाते हो, आप उसे एक्सप्लेन करते हो, पोस्टिंग करते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन फिर भी रह जाते हैं। उसके लिए अगर आप लाइव सेशन करते हो, उसके लिए आप उनको पहले डेट दे दो, अनाउंसमेंट दे दो, अनाउंसमेंट का भी ऑप्शन होता है, अनाउंसमेंट दे दो, इससे लोगों को होता है कि हाँ ठीक है ये लोग ऐड होते जाते हैं, और फिर जिस टाइम आप लाइव आते हैं तो बहुत से लोगों तक आपकी रीच जा चुकी होती है और वो आपके साथ उस टाइम ऐड हो जाते हैं लाइव सेशन में। फिर जो वो क्वेश्चन करते हैं आप उनका आंसर देते हैं, और जब लोगों को अपने मतलब की चीज़ मिल रही होगी तो वो मोस्ट डेफिनेटली आपके साथ एंगेज रहेंगे आपके पेज पे। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ है यूटिलाइजेशन ऑफ करंट इवेंट्स के अंदर, आपने अपनी ब्रांड लैंग्वेज को लेकर चलना है। ठीक है, कुछ लोगों की फ़नी टोन होती है, आप लोगों ने अक्सर एड्स में देखा होगा, कुछ लोगों की सीरियस होती है, जिस तरह की आपकी आपकी ब्रांड की जो टोन होगी आपने उसको लेकर चलना। ठीक है, एक ये चीज़ करंट इवेंट्स पे आपने ध्यान रखना है, और अपनी ब्रांड की रिप्यूट को कभी ख़राब नहीं करना। जब भी आप पोस्टिंग करने लगे आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि पब्लिकली सही नहीं है, जिसको हम कहीं कोई गलत मैसेज तो कन्वे नहीं कर रहे। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने पोस्टिंग करनी होती है। तो आज के इस सेशन में अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। चलिए ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह आप लोग से प्रैक्टिस करेंगे, पोस्टिंग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कुछ रह गया तो फिर पूछ लीजिएगा। तो आज का सेशन अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया।